नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कोविड 19 पूर्ण लॉकडाउन के चलते लोगों का घरों से निकलना बंद है। ऐसी स्थिति में गरीब मजदूरों को रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। तभी से समाज सेवी और संगठन मदद के लिए आगे आने लगे हैं और स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष शारदा देवी मौर्य के प्रयासों के विद्युत ठेकेदार सोनू यादव, स्वास्थ्य विभाग की ANM संध्या यादव की टीम के द्वारा प्रेम नगर कॉलोनी, चिनोर, भदेश्वर आदिवासी दफाई कॉलेज पर रहे मजदूरों के प्रत्येक सदस्यों को 1 किलो सरसों का तेल, 5 किलो आटे का थैला, 2 किलो चीनी, 2 साबुन, 2 किलो चावल, 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 नमक की थैली, 1 साड़ी, बच्चों को कपड़े, 100 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? सोनू यादव नाम मेरा भाई। जो आज आपके द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है, आप कहाँ से हैं और किस संस्था? मैं ग्वालियर जिले से विद्युत ठेकेदार हूँ। जो भारत देश की परेशानी है, इसके समाधान के लिए चूँकि पैसा राशि ये व्यवस्था सारी अपने देश की है, संकट के समय में सबका साथ देना अपनी जवाबदारी बनती है, अपना दायित्व बनता है। इसलिए इनके सहयोग के लिए मैंने मेरे भाई सुनील यादव और रामवीर राठौर, हम तीनों ने प्लानिंग करके हमारी जब भी कोई परेशानी का विषय आता है तो अपन प्रयास ये करते हैं अपने लेवल में जो सहयोग हो वो करें। तो अपना उद्देश्य यही रहता है। सिर्फ यही नहीं, हमारे लेवल में जहाँ भी आपको आवश्यकता है आप हमसे आधी रात संपर्क करें, हमारी लेवल में जो हेल्प होगी हम आधी रात को करने के लिए तैयार हैं।